नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। सफेद दाग के पेशेंट्स दाग ठीक करने के लिए जहां एक तरफ दवा खाते हैं वहीं परहेज करते हैं। परहेज के ऊपर या सफेद दाग में कौन सी चीजें खानी चाहिए या कौन सी नहीं, इस पर पहले भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, पर अभी हाल ही में मेरे पास एक क्वेरी बहुत ज्यादा आ रही है। लोग बता रहे हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सारा दिन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना, हम नाश्ते में क्या खाएं, हम दोपहर के खाने में क्या खाएं, ये समझ में नहीं आता। तो मुझसे पूछा जाता है कि आप एक पूरे दिन का डाइट बताइए कि हमें सुबह से रात तक क्या क्या खाना है और कब कब खाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक पूरे दिन का डाइट चार्ट जो एक सफेद दाग के रोगी को फॉलो करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले उठते ही अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव फूड से करें। इसे मैं मॉर्निंग स्नैक्स का नाम भी दे सकती हूँ। जैसे आप 5 भीगे हुए बादाम खाएं, उसके साथ में आप चाहे तो अखरोट का सेवन कर सकते हैं। आप कुछ सीड्स यानी कि कुछ बीजों का सेवन कर सकते हैं, जैसे आप सीताफल के बीज लें, जैसे आप अलसी के बीज लें। इस तरह की चीजें जो हेल्दी चीजें हैं उसके साथ आपको दिन की शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोग चाय के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। चाय के साथ आपको दिन की शुरुआत नहीं करनी है, वो एक नेगेटिव फूड आइटम है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप साथ में ही लौकी का जूस ले सकते हैं, गाजर और बीटरूट का जूस भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। चाहें तो इसके आधे घंटे के बाद ऐसा कर सकते हैं। तो जो जूस का कार्यक्रम है वो आप सुबह भी कर सकते हैं, और बाद में जब मिड मील की बारी आएगी तब भी मैं बताऊंगी। तो जिसको जैसे सूट करता हो, जिसके पास जब टाइम हो उस समय आप जूस ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको 2 घंटे में, ये सुबह उठते ही, तो आप जो लोग 5 बजे उठते हैं वो 5 बजे ये ले सकते हैं, जो लोग 7 बजे उठते हैं 7 बजे ले सकते हैं। इसके 1.5-2 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। नाश्ते में बहुत सारी चॉइसेस हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें मना होने पर आपकी लिमिटेशन रुक जाती है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी खाने की चीजें मिलेंगी। आप परांठा खा सकते हैं, आप परांठा मिक्स खा सकते हैं, गोभी का परांठा, आलू का परांठा, पनीर का परांठा, आप प्याज का भी परांठा ले सकते हैं, क्योंकि प्याज भी भुनने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे दही के साथ यकीनन नहीं लेना है, आप इसे बटर के साथ लेकिन जरूर ले सकते हैं, किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो वेजिटेबल पोहा, पोहा बहुत अच्छा है। आप इसमें मटर, गाजर और बीन्स डाल सकते हैं, जिससे ये बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा आप दलिये का सेवन कर सकते हैं, आप दलिये में भी सब्जियां डालकर उसे बना सकते हैं। साथ ही साथ आप ओट मील्स ले सकते हैं, आप ओट्स का इस्तेमाल दूध के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो हम बाजार में ओट्स खरीदते हैं उसमें कुछ मात्रा में नमक या सोडा होता है, तो दूध के साथ उसे लेने में थोड़ा खतरा भी रहता है कि कहीं विरुद्ध आहार ना हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप मिल्क की जगह एलमंड मिल्क ले सकते हैं या सोया मिल्क ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम दूध के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउन ब्रेड का सैंडविच ले सकते हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड का सैंडविच ले सकते हैं, उसमें भी आप सब्जियां डाल सकते हैं। उसे आप चाहें तो पीनट बटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मूंग दाल का चीला बना सकते हैं, बेसन का चीला बना सकते हैं, आप भीगे हुए काले चने की कोई रेसिपी बना सकते हैं, उनका स्प्राउट भी तैयार कर सकते हैं। स्प्राउट्स जो है वो बहुत अच्छा है, प्रोटीन रिच है। आप मूंग दाल के स्प्राउट्स और साथ में काले चने का स्प्राउट्स ले लीजिए, या इसी समय आप काले चने के साथ और भी कोई चीज ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप बादाम सुबह ले चुके हैं और नाश्ते के साथ अपना काला चना ले लें, ताकि आपकी जो मील्स हैं वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। इसके अलावा अगर आप स्प्राउट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आपने उसमें लेमन नहीं डालना है। इसके अलावा आप मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलेट्स भी बहुत हेल्दी हैं। आप पानी में इसे नमक के साथ बॉईल कर सकते हैं और उसके बाद इसमें हनी डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वर्मिसिलिन यानी कि सेवियां को बनाकर खा सकते हैं। आप इसके अलावा सूजी की मैक्रोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से नाश्ते की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उपमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वेजिटेबल उपमा बनाइए, उसमें कुछ सब्जियां डालिए और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो सफेद दाग के व्यक्ति आराम से नाश्ते में खा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि नाश्ते के बाद आपको क्या लेना चाहिए। नाश्ते के 2 घंटे बाद आपको मिड मील जरूर लेना चाहिए, यानी कि अगर आपने 9 बजे नाश्ता किया तो 11 बजे आपको ये चीजें लेनी चाहिए। मिड मील में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन जिसने अभी तक सुबह से लौकी का जूस नहीं लिया है या काले चने नहीं लिए हैं, वो अपने मिड मील में काले चने और लौकी का जूस ले सकते हैं।
और जिन्होंने मिड मील में लौकी का जूस, काले चने पहले ही ले चुके हैं वो अपने मिड मील में और चीजें ले सकते हैं, जैसे कि वो कोई सलाद खा सकते हैं, जैसे आप गाजर का सलाद ले लीजिए, कोई फल खा सकते हैं, आजकल के सीजन के हिसाब से आप वाटरमेलन यानी कि तरबूज, खरबूजा, चीकू, केला, इस तरह के फल खा सकते हैं। इसके अलावा आप इस समय कोई समर ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। मैंने बताया है गर्मियों में आपको गोंद का तीरा लेना चाहिए या खसखस का शरबत या सौंफ का शरबत लेना चाहिए। इन्हें कैसे बनाएं इस पे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उनको भी देख सकते हैं। और सारा दिन आपको बार बार जब भी प्यास लगे आपको तांबे के बर्तन का पानी पीना है। इस समय आप जो है वो नारियल का पानी भी पी सकते हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि हम छाछ पिएं, छाछ सफेद दाग में बिल्कुल मना है, लेकिन आप कच्ची लस्सी जिसे बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने दूध और पानी मिलाना है और चीनी मिलानी है, तो ये पतला दूध तैयार हो जाता है जिसमें आप तेज मीठा अगर डालते हैं तो इसको हम कच्ची लस्सी बोलते हैं और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। इसका इस्तेमाल आप मिड मील में कर सकते क्योंकि खाने के साथ आप इसे नहीं ले सकते, अदरवाइज विरुद्ध आहार हो जाएगा। इस तरह से कुछ ऑप्शंस जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट में बताई थी, जैसे कि स्प्राउट्स हैं वो भी आप यहाँ खा सकते हो। और भी कुछ चीजें अगर आप पूछना चाहते हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। फिर आपको करना है दोपहर का खाना, जिसे हम लंच बोलते हैं। आपको ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 1 बजे दोपहर का खाना या लंच खाना चाहिए। इसमें आप चपाती खाएं, आपका मन करता है तो आप चावल भी खा सकते हैं, सफेद दाग में चावल मना नहीं है। इसके साथ आप सलाद खा सकते हैं, सलाद में आपने प्याज और टमाटर कच्चा इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी सभी सलाद की चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप वेजिटेबल और दाल बना खा सकते हैं। कौन सी सब्जी सफेद दाग में खानी चाहिए, कौन सी नहीं, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है। कौन सी दालें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी पहले वीडियो बनी हुई है, आप उन्हें भी जरूर देख सकते हैं। इस तरह से आप अपना कंप्लीट लंच कर सकते हैं। लंच में आपको ये ध्यान देना है कि आपने दही और छाछ का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट जो आप इसके बाद लेंगे वो है 4 बजे। जैसे कि अगर आपने 1-2 बजे तक लंच किया है तो आपको 3-4 बजे अगेन कोई मिड मील यानी कि छोटा मोटा स्नैक खाना चाहिए। कई लोग यहाँ पर चाय पीना चाहते हैं, चाय आप बिल्कुल पी सकते हैं। जो लोग सुबह भी चाय पीना चाहते थे, मैंने चाय का जिक्र नहीं किया, वो नाश्ते के साथ में चाय ले सकते हैं। बस सुबह उठते ही चाय नहीं लेना, जिनको सुबह उठ के ही चाय पीने की आदत है वो पहले बादाम खा के फिर 15 मिनट में चाय पिए। यहाँ पर आप पीनट्स खा सकते हैं यानी कि मूंगफली खा सकते हैं, आप मखाने खा सकते हैं, मुरमुरे खा सकते हैं, पॉपकॉर्न खा सकते हैं। ये कुछ एक चीजें हैं जो आप चाय के साथ ले सकते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं हम चाय के साथ क्या लें। चाय के साथ नमक वाली चीजें लेने में कोई भी मनाही नहीं है, आप आराम से चाय के साथ नमक वाली चीज ले सकते हैं। अगर आप बिस्किट भी लेना चाहते हैं तो 1-2 मात्रा में बिस्किट या आटे के बिस्किट आप खा सकते हैं। नमकीन आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें चाट मसाला या कोई खट्टी चीज ना हो, नमक वाली नमकीन आप खा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप ये चीजें ले सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा पोहा खा सकते हैं, अगर जिन लोगों को चाय नहीं पीनी है वो चाय नहीं पी, यहाँ पर ग्रीन टी ले सकते हैं या कोई गर्मियों का स्नैक्स ले सकते हैं। आप यहाँ पे सत्तू का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने सुबह के मिड मील्स की चीजें बताई थी उनमें से भी आपको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से शाम के स्नैक्स की भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये आप सब खा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको खाना है रात का खाना। रात का खाना आपको थोड़ा जल्दी खाना है, कोशिश करके 8 बजे तक सबको खा लेना चाहिए। ये वैसे जो मैं बता रही हूँ ये एक हेल्दी डाइट बता रही हूँ, तो ये सबको फॉलो करना चाहिए। जरूरी नहीं है जिन लोगों को सफेद दाग है वही इसको फॉलो करें। ये जो टाइमिंग्स है ये हर एक का टाइम आयुर्वेद में बताया है कि सूर्यास्त से पहले ही हमें रात्रि का भोजन कर लेना चाहिए। पर आजकल की लाइफ में जहां पर बहुत भागदौड़ है वहां सभी लोग सूर्यास्त से पहले तो भोजन नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 8 बजे से पहले पहले ही रात का खाना खा लें। रात के खाने में भी आप चाहें तो चपाती, चावल, दाल और सब्जी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में सलाद ले सकते हैं। इसमें से जैसा भी आपको खाना अच्छा लगता है आप खा सकते हैं। सब्जी आप सभी प्रकार की खा सकते हैं। आपको सब्जी में बहुत ज्यादा मात्रा में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना, किसी खट्टी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। दाल में भी आपको उड़द दाल यानी कि दाल मखनी का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी दालें आप आराम से खा सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप 8 बजे डिनर करते हैं और आपको रात को, कई लोगों को फिर से भूख लगती है, कुछ लोग रात को देर तक जागते हैं इस वजह से भी उन्हें भूख लगती है, तो रात को सोते समय 10 बजे आप थोड़ा दूध का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई मिठाई भी खा सकते हैं।
मिठाई में कौन सी मिठाई आप खा सकते हैं कौन सी नहीं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं। चीनी एज अ होल मना नहीं है, पर ऐसी कोई चीज हमें इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए जिसमें मैदा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है या जिसमें मिठाई बनाते हुए खटाई का इस्तेमाल किया जाता हो। तो इस तरह से आप अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस समय क्या खाना है। सारा दिन में आपको तांबे के बर्तन का पानी पीना है। अगर इस तरह से आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी दवाई भी हर मील के बाद टाइम से ले सकते हैं। जो दवाई आपको खाने से पहले खानी है उसका टाइम भी फिक्स रहेगा, खाने के बाद खानी है उसका टाइम भी फिक्स रहेगा। तो सफेद दाग ठीक करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप टाइम पर खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। बहुत सारी चीजें मैंने आज ऑप्शंस में देने की कोशिश करी है, फिर भी कोई ऐसी फूड आइटम है जो मैंने यहाँ नहीं बताया हो और आपको उसके बारे में कंफ्यूजन हो कि क्या ये हम खा सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा। एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसका बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।